हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज है डेट 18 तारीख है और टाइम हो चुका है 2:30 बज चुके हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज सुबह से मैंने नहीं किया था। सुबह आपको मैंने बताया था सूतक लगवाया, तो सूतक उतारना, तो पूरा घर वर धोया, तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। अब वापस से बाल बाल धो के नहा ली हूँ। अब हम आज इनका ऑफ था बट कहीं जाना था इनको, अभी ये आए हैं। इलू भी अपने स्कूल से आ गई है तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो इसलिए तैयार हो गई हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और आज मैंने पहना है ये, तो कुछ लोग मुझे बोलते पता है, दीदी आप ना इतना ढीले कपड़े क्यों पहनती हो, आप मतलब फिटिंग के कपड़े क्यों नहीं पहनती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता फिर, मतलब बिल्कुल टाइट फिटिंग वाले घर पे अच्छे नहीं लगते, इस वजह से मैं नहीं पहनती। इसलिए मैं अपने साइज से ना 2 साइज बड़े कपड़े पहनती हूँ घर पे। बट इसलिए अब दिखा दूँ आपको कि रियलिटी ये है, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, फिटिंग के मैं इसलिए नहीं पहनती। तो अभी बस जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं क्या क्या लेके आएंगे। अगर कुछ लेके आई, पसंद आया, पसंद भी हम लोगों को बहुत मुश्किल से आता है, अगर कुछ पसंद आया ना तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस देखिए, हम तीनों ने पहना है ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अरे इलू आ भी जा। तो आज हमारा ना सबका ब्लैक 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 हो गया है, तो अब बस निकल रहे हैं। हमने सोचा दिखा देते हैं। शॉपिंग कर ली है, ज़्यादा शूट नहीं किया है मैंने, बट कुछ कुछ ले लिया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी घर पहुंच के। ये रहे इलू और इलू के पापा, अभी जीटी आए हुए हैं, जीटी से ही थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, बाकी शूट नहीं किया। जब हम शॉपिंग करते ना तो शूट नहीं कर पाते हैं, तो अभी जा रहे हैं थोड़ी बहुत और शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज, हम लोग घर पे आ चुके हैं। क्या लाए, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं लाए, ऐसी टी शर्ट्स लाए, ये लाए, ऐसे ही मैं लाई और इलू, तो एक एक टी शर्ट ली है बस, और एक इलू ने लिया है, शूज़ नहीं है। रीज़नेबल प्राइस में थे, अच्छे थे, क्योंकि उसके ना छोटे हो गए थे तो मुझे वही पसंद थे, तो मैं सेम वही लेके आई। ये वाले होते हैं ना गम बूट्स टाइप, मतलब ये लॉन्ग वाले नहीं है, हैं शॉर्ट ही, बट ये इसको कंफर्टेबल रहते थे, तो ये क्या है कि छोटे हो गए थे, इसका बच्चे का पैर बढ़ता हुआ पैर है ना, तो फिर पल पल में इसके छोटे हो जाते हैं, तो फिर ये लेके आए। बस और क्या लाए, और छोटी मोटी चीज़ें लाए, बस छोटी मोटी, और क्या लाए थे अपन, बस इतना ही लाए। एक दो चीज़ें और है वो अंदर रखी है, वो बाद में दिखाऊंगी आपको। और गॉगल्स भी लाए हो? हाँ। तो चलो अभी थोड़ा सा काम कर लूँ, कपड़े और रखे मशीन में, वो और सुखा देती हूँ, फिर देखती हूँ। दाल अगर भीग गई, उड़द वाली दाल, तो मैं वड़ा और वड़ा की रेसिपी दे दूँगी। किसने मुझसे मांगी थी? पूनम जी ने मांगी थी, हाँ, तो वो वाली रेसिपी दे दूँगी आज शाम, आज रात। मैं वैसे नहीं खा रही हूँ, मेरे को बहुत मन करता है खाना खाने का, लेकिन ऑयली अब मुझे नहीं खाना है अभी कुछ दिन, ताकि मेरा थोड़ा सा वेट कम हो जाए। तो चलो, अगर मैंने बनाया ना वड़ा तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है?
गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सांभर। सांभर के लिए मैं घिया को कट कर रही हूँ। दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी और उड़द की दाल भी मैंने भिगो दी थी वड़े के लिए, ठीक है। तो बस ऑनली टमाटर और घिया डालूंगी सांभर में, क्योंकि इल्लू को उतना ही पसंद है इस वजह से। तो सांभर की रेसिपी मैंने दे ही रखी है, 2-3 बार दे दी, ठीक है। तो ये इंस्टेंट अपने तरीके का ही बना रही हूँ मैं। तो वड़े की रेसिपी दे दूंगी, मुझसे मांगी थी ना पूनम जी ने, इस वजह से। साथ में मेरे सावा राइस बन रहे सावा, क्योंकि मैं ऑयली नहीं खाऊंगी, वड़े बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो मैं बस ये मेरे लिए ये बन रहा है। तो यहाँ पे मैं भिगोई हुई दाल कुकर में डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें जो घिया मैंने कट किया था यानी कि लौकी वो भी डाल दूंगी, और साथ ही मैं टमाटर को भी कट करके मैं इसी में डाल देती हूँ कुकर में, और हल्दी और नमक डाल करके गैस पर चढ़ा देती हूँ। और जब ये पक जाते हैं तब इसमें सांभर मसाला और सारे मसाले वगैरह डाल करके तड़का लगा देती हूँ, तो एकदम से फटाफट बन जाता है सांभर। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, फटाफट बन जाती है, क्योंकि सांभर हमारा उबल चुका है और अब मैं बनाऊंगी वड़े। तो ये वड़े की रेसिपी, सॉरी पानी गिर गया। तो वड़े की रेसिपी जो है मांगी थी ना, तो वड़े के लिए मैंने उड़द दाल जो होती है ना, उड़द दाल धुली हुई, वो 1 कप ले लीजिए। वो मैंने भिगो दी थी, मैंने तो थोड़ी देर ही भिगोया है, 5 से 7 घंटे आप भिगो लीजिए। फिर उसको मिक्सी में पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डाल के पतला नहीं पीसना है हमें, टाइट टाइट सा ही इसको रखना है, ठीक है। फिर आगे की रेसिपी मैं बताती हूँ। तो मैं इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो जब हम मिक्सी में इसे पीसते हैं ना, तो आप चाहें तो उसी टाइम उसमें एक हरी मिर्च या डाल दें या थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, लेकिन इलू खाएगी तो ना मैं हरी मिर्च डाल सकती हूँ ना ही काली मिर्च डाल सकती हूँ, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्च भी डालते हैं तो आप इसी टाइम पे डाल सकते हैं, या फिर बिल्कुल बिल्कुल बारीक काट के उस पेस्ट में भी बाद में डाल सकते हैं। तो अभी मैंने नहीं डाला है, बस बता रही हूँ, तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वड़े के लिए तैयार हो चुकी है। इसे मैंने थोड़ा सा ऐसे फेंट लिया था, और थोड़ी देर फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था, ये 1 चम्मच में जीरा डाल रही हूँ, और ये थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डालें। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि फीके फीके ना लगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास हरी मिर्च हो, काली मिर्च हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, प्याज भी आप डाल सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, मैं इसलिए डालती हूँ कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से बन जाते हैं इससे, इस वजह से। तो बस डालते ही इसे, बेकिंग सोडा डालते ही या इनो डालते हैं तो फटाफट से बस बना लेना चाहिए। मैंने तेल पहले से ही चढ़ा रखा था इसमें, तो ये दाल मैंने हाथों पर पानी लगाया और फिर उड़द की दाल ली, पानी लगाने से दाल चिपकती नहीं है, और इस तरीके से थोड़ा सा पाट लिया और बीच में छेद करके बस वड़े को बना लिया। वापस से देख लीजिए आप, पानी लगा करके दाल हम हाथ में लेंगे, इसे थोड़ा सा गोल करेंगे, चपटा करेंगे, और फिर थोड़ा सा उंगली में पानी लेंगे और इसमें बीच में होल कर देंगे यानी कि छेद कर देंगे, और इसे ऐसे कर देंगे और तेल में डाल देंगे, तो फटाफट से जो वड़े हैं हमारे वो तैयार हो जाएंगे। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। बट इलू खाती ही नहीं है ना, इस वजह से मैं थोड़ी कम ही चीज़ें डालती हूँ। तो ये देखिए फटाफट फटाफट ये वड़े बन जाएंगे, तो रोटी बनाने का चक्कर भी नहीं रहता है। जब हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, रोटी आटा लगाना और रोटी बेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भले ही मैं इतनी मेहनत करके दूसरी चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन रोज रोटी से भी बोर हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो ये देखिए फटाफट से बन जाते हैं वड़े, और ये मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम में ना इन्हें फ्राई करना है हमें। ज़्यादा तेज आंच पे हम पकाएंगे ना तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे आप पकाएं, इसे फ्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए मेरे वड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, ये इसमें दिखाई ऐसे दे रहे हैं वाइट से, बट ये थोड़े से ब्राउन से थे, पूरे पक चुके थे तभी इसे मैंने निकाला था। तो ये देखिए हमारे वड़े तैयार हैं, पूनम जी की रिक्वेस्ट भी मैंने पूरी कर दी है, ये देखिए वड़े तैयार हो गए हैं, कैसे लगे ज़रूर से बताइएगा। तो बस खाना पूरा बन चुका है, वड़े बन गए, सांभर बन गया, और 9 भी बजने वाली आने वाले होंगे,
बैक में इतना तेज पेन हो रहा था, इतना ज्यादा पेन कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अधूरा छोड़ दूँ, ना रेसिपी दूँ ना कुछ दूँ, क्योंकि ना आज सारा घर धोया मैंने, ढेर सारे कपड़े धुले और इतना काम किया ना, तो मैं थक गई और फिर मार्केट चले गई, इनके आते ही मार्केट, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब जैसे ही आएंगे खाना खिला के और धैं करके सो जाऊंगी मैं, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा। और कल भी मुझे तारा कि संडे को भी मेरा संडे नहीं होता, ये जाएंगे इलू जाएगी दोनों जाएंगे, आज भी सैटरडे था लेकिन दोनों की छुट्टी नहीं थी, इलू का भी स्कूल था क्योंकि ढेर सारी छुट्टियाँ हो गई ना, तो फिर स्कूल वालों ने कैंसिल कर दी सैटरडे को, और इनकी भी नहीं थी, इनको भी कहीं और जाना था। तो आज सुबह से भी 6 बजे से लगी हुई हूँ काम पे, इसके बाद जब इलू के पापा आए थे तो इलू और इलू के पापा ने डिनर कर लिया था, मैंने आपको बताया कि सामा राइस लिए थे, फलाहार ले रही हूँ अभी मैं, खाना नहीं खा रही हूँ। सो गाइस अभी नेक्स्ट मॉर्निंग, आजकल मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को व्लॉग एंड करती हूँ, तो कमेंट्स ले लेते हैं, आजकल मैं रिप्लाई तो नहीं दे पा रही, थोड़ा बिजी हूँ इस वजह से, जितना शूट होता है उतना ही व्लॉग बना लेती हूँ ऐसे करके। तो आस्था जी थैंक यू वेरी मच, मम्मी का भी कॉमेंट है थैंक यू मम्मी, पूनम जी थैंक यू वेरी मच, हाउ टू मेक बाय गायत्री थैंक यू, और इंडियन ब्लॉगर सुंदरम मिश्रा जी ने बोला है कभी मेरा भी नाम ले लीजिए, बिल्कुल मैंने ले लिया आपका सुंदरम मिश्रा जी, हाय सुंदरम, सुंदरम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, हेलो कैसे हो। और प्रेंसी जी बोल रही आप ये जो काजल लगाते हैं ये ना मैं ब्लू हेवन का लगाती हूँ या फिर मेरे पास NYBA का है, तो दोनों मेरे पास है, जो भी मेरे हाथ में आता है काजल मैं वो लगा लेती हूँ, और आईलाइनर भी NYBA का है, purple.com से मैंने मंगवाया था। और राजेश जी थैंक यू वेरी मच, स्वाति सिया व्लॉग कितना काम करती हूँ, हाँ थैंक यू स्वाति, स्वाति जो है स्वाति सिया व्लॉग ये मेरी YouTube से मिली मुझे, मेरी सिस्टर है, अगर आप मेरी बात माने तो प्लीज़ इसके चैनल पे जाइएगा और इसको ना फोर्स कीजिए कि ये चैनल पे वर्क करे, इसने अपना चैनल छोड़ दिया है बीच में, प्लीज़ मोटिवेट कीजिए इसे जाके, कोई प्लीज़ कोई इसे जाके मोटिवेट करो। आरती जी बोल रहे दीदी आप हंसते, थैंक यू वेरी मच आरती जी। दीक्षा जी मैंने आपसे पूछा था कि खलबट्टा स्टील का होता है या फिर एल्यूमिनियम का होना चाहिए, खलबट्टा खलबट्टा किसे कहते हैं, सिलबट्टा एक तो होता है चटनी और बनाते हैं वो, एक खलबट्टा हमाम दस्ते को बोल रहे हो, हम अगर खलबट्टा बोल रहे हो हमाम दस्ता है या क्या कहते हैं पहले आप मुझे बताना, खलबट्टा मैं समझ नहीं पा रही, सिलबट्टा तो मैंने सुना है खलबट्टा नहीं सुना था, तो आप मुझे बताना खलबट्टा हमाम दस्ते को ही कहते हैं कि जो छोटा सा एक होता है किचन में उससे अदरक वदरक करते हैं, अगर आप बता देंगे उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी ठीक है। और थैंक यू अमन वीर भद्रा, अमन शिखा जी बोले मेरा भाई का नाम भी लीजिए ना, ओके अखिलेश जी, हाय अखिलेश जी कैसे हो, उनकी एज तो मुझे नहीं पता कितने बड़े हैं कितने नहीं, तो हेलो अखिलेश जी कैसे हो। और पूजा बोल रही हैं पूजा चौधरी दीदी आपका टॉप बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच पूजा। और दी आपने हेयर कट मैंने नवम्बर में लिया था, मैंने लिया था शादी पर लिया था, फैदर कट लिया था बट ना मेरे बालों पे कट दिखता नहीं क्योंकि थोड़े कर्ली से है ना, वेवी से हेयर है अजीब से, मैं स्ट्रेट करती हूँ तब तो पता चल जाता है, जैसे अभी मैंने थोड़े से स्ट्रेट करें। तो अंकिता जी बोल रही थी आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, हस्बैंड मेरे मीडिया में है, राजस्थान पत्रिका में जॉब करते हैं, बहुत सालों से मीडिया की लाइन में है, दिल्ली से उन्होंने मास कम्युनिकेशन का जो है वो डिप्लोमा किया था, उसके बाद आने के बाद से वो 12 साल तो मेरी शादी को हो गई, 13-14 साल से वर्क कर रहे हैं मीडिया में है, न्यूज़ रीड भी करते हैं, पहले फील्ड वर्क भी करते थे, अब ऑफिस वर्क ही है उनका, तो टीवी पे आते हैं राजस्थान पत्रिका में है, और भी कई काम है उनकी, पोस्ट मैं बार बार भूल जाती हूँ, सीनियर कंटेंट ऑफिसर या ऐसा कुछ है पता नहीं मुझे, मैं भूल जाती हूँ। तो सुनीता जी बोलिए आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, मैं वेट करती हूँ रहती हूँ आपके व्लॉग का, और सच में बहुत खुशी मिलती है आपका व्लॉग देखकर, पता नहीं क्या कनेक्शन है, दिल से दिल का कनेक्शन है, लेकिन अब अपने से लगते हो, मुझे भी सब लोग अपने से लगते हैं। हाय एस के बोले डाइट प्लान बताइए ना मेरे लिए, डाइट प्लान अच्छा बता दूंगी, वैसे BMR होता है ना हमारी बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान बताते हैं,
थैंक यू सुनीता जी एंड थैंक यू एसके जी कमेंट करने के लिए। नेहा जी बोल रहे हेलो दी कैसे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ नेहा जी, आप कैसे हो। अंकिता गर्ग बोले दी आपकी बचत वाले वीडियोस बहुत अच्छे थे और बताऊँ। ओके मैं फेब यानी कि फरवरी से ना वापस अच्छे से वर्क करने लग जाऊँगी, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ किसी चीज़ को लेकर तो, और मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही है हमारी और रेलू का बर्थडे भी आ रहा है तो थोड़ा सा बिजी रहूँगी लास्ट मंथ के लास्ट में, तो बाद में मैं ज़रूर बताऊंगी। रिपल जी बोले मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू। ओके कोई बात नहीं यार, सबके बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही हैं, उसका नाम दिव्य है। वाओ दिव्य नाम है, गुड। मीरा जी बोले प्राची जी कैसे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ मीरा जी। माई लाइफ स्टाइल प्रीति का चैनल, हेलो डियर आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच प्रीति जी। और विजेता जी बोल रहे विजेता हाय आई एम विजेता, अच्छा लगा आज आपको हैप्पी देखकर, हमेशा खुश रहो हमें अच्छा लगता है। आप लोग भी हमेशा जो है खुश रहा कीजिएगा। कुछ लोगों किसने मुझे बोला था जिंदगी की लड़ाई कैसे या एग्जाम कैसे पास करें, उस पर भी बनाएंगे वीडियो। दीपमाला पटेल जी बोले आशिता पटेल 3 साल की, अच्छा नर्सरी में हुआ, छोटी सी या छोटू छोटू जबलपुर MP से। ओके आप अपना नंबर आने वाली हूँ, अच्छा आप कब आ रही है नंबर, सॉरी डियर आप इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए, इंस्टा आईडी मैंने कई बार आपको दे रखी है, नंबर तो मुझे परमिशन नहीं है, बहुत लोग मांगते हैं नंबर तो मैं देना भी चाहती हूँ बट नंबर तो नहीं दे सकती मैं, तो आप इंस्टा पे बात कर लीजिएगा। और अगर आप जयपुर आ रहे हैं और हम मिल सके तो ज़रूर से मिलेंगे, किस डेट को आ रही हैं आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और दी ज्योति जी बोले ज्योति रघुवंशी दी मेरी बेटी 2.5 साल की है, उसका नाम आरू है, उसका नाम भी लेना। ओ वाओ आरू, हेलो आरू कैसी हो, 2.5 साल की है, छोटी सी होगी ना। और आरू ना मेरे अभी भाई है, मेरे मामा का लड़का है, उसकी भी लड़की का नाम आरल है तो उसको घर में प्यार से आरू बोलते, वो भी बहुत क्यूट सी है तो आरू को ढेर सारा प्यार। अरु है आरू, ली इज लाइव वंडरफुल ब्लॉग, थैंक यू सो मच। आपका नाम रेखा है आपने मुझे बताया था शायद, है ना। निधि जी बोल रहे थैंक यू सो मच निधि जी कमेंट करने के लिए। फास्ट फूड नहीं, मैं इतना फास्ट फूड नहीं खिलाती, दिन में बहुत सी हेल्दी चीज़ें देती हूँ तब जाके एक या दो फास्ट फूड उसे मिलता है। ली इज है, माई नेम रेखा वर्मा है, अच्छा आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ, अपना फ़ोन आपके ब्लॉग के लिए, ओ थैंक यू सो मच रेखा जी। और कविता जी बोल रही है प्राची जी आपकी सिस्टर के चैनल का नाम या चैनल की लिंक दे दीजिए, मैं सर्च किया, सिस्टर के चैनल का नाम है शिप्राज वर्ल्ड, लिंक मैं दे दूंगी या फिर मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, ठीक है। और कुशाग्र जी बोल रहे मेरा नाम अंकिता द्विवेदी है, आईडी मैंने बेटे के नाम से बनाई, अच्छा भी मैं राजस्थानी कल्चर आपको बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और कुशाग्र यानी कि अंकिता जी बोल लव यू टू। और निशी वर्जी बोल रही है थैंक यू निशी। और कुक्कू बोल रही ब्यूटीफुल ब्लॉग, थैंक यू कुक्कू जी। और हाय दी कैसे हो, आपका वीडियो देख, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं उनके हस्बैंड की आईडी से नाम है। और प्रीति दलाल जी बोल रही दी वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू प्रीति जी। और पूजा देवी जी बोल रही आपकी मम्मी और आपकी मम्मी के चैनल का नाम है छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर, और मेरी सिस्टर के चैनल का नाम है शिप्राज वर्ल्ड, मैं लिंक दे दूंगी दोनों का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मीनू कवर वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू मीनू जी। और ज्योति सिंह जी बोल रही ऑसम ब्लॉग, थैंक यू सो मच। मीनू जी बोल रही दी सेम मुझे भी ऑरेंज खाना पसंद है, ओ सेम सेम। दी एक्सरसाइज वाली बाईसाइकिल कितने की आती है, ये मैंने ली थी 4 या 4.5 साल पहले, उस टाइम पे आई थी ये 3,500 की, मैंने ली थी जयपुर से ही ली थी, सिटी साइड में ऐसी शॉप्स होती हैं उनसे ली थी, आसपास की शॉप से लेते हैं तो थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क पड़ता है इस वजह से, तो ये मैंने सिटी से ली थी और उस टाइम ये 3,500 की थी। अभी मम्मी ने ली है तो मम्मी ने 4,500 की ली थी, मम्मी के भी 1.5 साल हो गया, अगर 2 साल हो गया मम्मी को साइकिल लिए। अब कितने की मिलती है ये मुझे नहीं पता, ऑनलाइन भी मिलती है बट 4 से 6 के बीच में मिलती है, बट ये वाली मुझे बहुत पसंद है, मम्मी वाली से भी ज़्यादा अच्छी मेरी है, मैं कह रही हूँ मम्मी को पता नहीं मम्मी क्या सोचेगी बट मेरी वाली पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, मम्मी की में भी मैंने करके देखा था तो ये 3,500 की है। और किसका आया कमेंट, गीता जी बोल रही है मेरे लड़के आर्यन का नाम लेंगी, बिल्कुल लेंगी प्लीज़, नहीं मैं ज़रूर लूँगी आप बस बोल दिया कीजिए। हाय आर्यन लव यू, कैसे हो आर्यन। और प्रवीण जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, हमेशा आप कमेंट करते हैं प्रवीण जी। रुपेश जी बोल रहे हैं
उनकी आईडी से भी कोई सिस्टर नहीं है. नाइस लोग, थैंक यू सो मच. एंड वंश, अमरापुर अरावली एक्सप्रेस से मेरा भांजा है वंश, थैंक यू सो मच वंश. तो बस आज के नाम और कमेंट जो थे वो इतने ही थे. आज का व्लॉग में बस इतना ही. मिलती हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाइएगा.